खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच सरदार शहर के तीन परिवारों की सांसें अटक गई है। दरअसल तीनों ही परिवारों के बच्चे यूक्रेन के डेनिप्रो पेट्रोबीएस के स्टेट मेडिकल एकेडमी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और युद्ध शुरू होने से तीनों छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। जा 5 साल से यूक्रेन में है और वो वहाँ पे एमबीबीएस कर रहा है, अभी उसका फाइनल ईयर है। आज सुबह जैसे ही हमें पता लगा कि यूक्रेन पे रूस ने आक्रमण कर दिया है, तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उससे फ़ोन पे बात की तो उसने कहा कि हम अभी घर पे ही हैं और हमें घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सर, किस माध्यम से आने के लिए कुछ? हमने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है उस पर मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपको एक ईमेल आईडी भेजी जा रही है जिस पे आप मेल कर दीजिए और अपनी जो समस्या है वो उस पे लिख करके डालिए। ये हमें बताया गया। हम लोग बहुत चिंतित हैं, घर वाले सभी चिंतित हैं, उसके माता पिता और यहाँ पे हम लोग सारे चिंतित हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया गवर्नमेंट जो है उस पे हम लोग भरोसा तो कर रहे हैं कि भारत सरकार जरूर कुछ ना कुछ शीघ्र करेगी, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन में है सारे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ा डर का माहौल है, हम भी डरे हुए हैं और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही भयभीत हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो किसी न किसी तरह से व्यवस्था करे। हालांकि बच्चों ने खुद भी पहले टिकट बना ली थी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार, अब क्योंकि स्थिति अलग हो गई है, बच्चे खुद कुछ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, उनको यहाँ लाने की व्यवस्था करे। आपकी बात हुई थी भाई से और क्या कुछ जानकारी? अरुण है मेरा भाई, है वहाँ पढ़ रहा है, उससे बात हो रही है, मेरी और मेरे मम्मी पापा की बात हो रही है, तो काफ़ी चिंता का माहौल वहाँ बना हुआ है और हम लोग काफ़ी चिंता हो रही है यहाँ पे बैठ के भी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए और सबको सेफली यहाँ लेके आया जाए। आपका भाई ने क्या बोला आपको? वो अभी तो क्या ही बोलेंगे, उनको भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी सब कुछ चेंज, पहले कुछ और था माहौल, अभी कुछ हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो अभी उसे भी नहीं पता है कि क्या होगा।